उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के लोहारी इलाके में बच्चा चोरी की शंका में लोगों ने पिता व पुत्र की जमकर पिटाई कर डाली। आपको बता दें कि पिता पुत्र कस्बे में भीख मांगने का काम किया करते हैं। लोगों का यह कहना है कि ये दोनों बच्चे चुराने वाले हैं। वहीं इस मामले में डिप्टी सीएम ने बताया कि बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में बच्चे चोरी के आरोप में दो लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। कोतवाली क्षेत्र के पैगंबरपुर गांव में आज बच्चा चोरी के आरोप में पिता पुत्र की गांव वालों ने बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद वहां मौके पहुंची पुलिस दोनों को लेकर के थाने पहुंची। सर, क्या था पूरा मामला? बिंदकी थाने की पुलिस आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अपने क्षेत्र में भ्रमण में थे, जहाँ उन्हें जानकारी मिली कि पैगंबरपुर गांव में दो लोगों को गांव वालों ने रोक रखा है। इस सूचना पर लोग वहां पर पहुंचे थे तो वहां पर गंगाराम नाम का एक व्यक्ति जो लंगड़ा है और उसका बेटा पप्पू जिसकी उम्र करीब 16-17 वर्ष की है वो गूंगा है। गांव वालों को ये शक था कि ये लोग संभवतः बच्चा चोर हैं, क्योंकि ये लोग इधर कभी दिखाई नहीं पड़े थे। जबकि उन लोगों ने बताया कि वो लोग भीख मांगने के लिए वहाँ पर आए थे। ये घटना आपस में ना समझी और ना जानकारी की वजह से हुई। पुलिस के लोगों ने लोगों को समझाया बुझाया और दोनों को वहाँ से सुरक्षित ले आकर के उनको परिजनों को सुपुर्द किया जा रहा है। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये कानपुर नगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने जानकारी में उनके परिजनों से बात किया तो ये पाया गया कि ये लोग गरीब लोग हैं और भिक्षाटन करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। क्या नाम है आपका? बेटू नाम है। ये कौन स्थान है? पैगम्बरपुर मिलिया बाग है। बिंदकी। अच्छा, क्या है मामला बताओ। वो आदमी आया यहाँ पर हमारे द्वारे सामने गेट के पास, बहन थी हमारी सलोनी सेजल, तो उनसे उनको प्रसाद दे रहा था, मीठा दे रहा था, कह रहा था कि और बेटा निकलने। हम वहाँ पर आ गए तुरंत तो उसने पकड़ ले, आ गए आसपास के आदमी लोग तो उसको मजे पीटा, पुलिस वालों को पकड़ा दिया, थाने ले गए। क्या मतलब था कि वो पकड़ने वाले हैं बच्चों को? हाँ, पकड़ने वाले बच्चे लग, वो आदमी बहुत 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 जगह फैले हैं। बच्चे पकड़ लेते हैं। क्या था उसके पास? क्या क्या था उसके पास? था मीठा था और लौंग थी। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार मुरादाबाद पहुंचे भूपेंद्र चौधरी का कार्यकर्ताओं के जोरदार स्वागत करते ही अचानक पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन की दुखद खबर आ गई। स्वागत जुलूस बीच में ही समाप्त कर दिया गया और पंचायत भवन के सभागार में आयोजित होने वाले स्वागत समारोह को स्थगित करते हुए मंच से मंत्री जी के स्वागत का बैनर हटा दिया गया और स्वागत समारोह शोक सभा में तब्दील हो गया। वहां मौजूद सभी भाजपाइयों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। निवास स्थान मैं यहीं से भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। अभी अभी आदरणीय अरुण जेटली जी के निधन का समाचार प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको उत्तर प्रदेश में संवेदना प्रकट करता हूँ, लेकिन लंबे समय तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो सरकार का नेतृत्व किया है, मैंने भी कई अवसरों पर उनके साथ काम किया। भारतीय जनता पार्टी के वो प्रदेश के प्रभारी रहे, भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा में दल के लंबे समय तक नेता रहे, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, एनडीए की सरकार में, भारत सरकार में गृह मंत्री रहे, न्याय मंत्री रहे, और पिछली सरकार में मोदी जी के वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य संभाला। निश्चित रूप से कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लाखों हजारों कार्यकर्ताओं के विकास में उनका बड़ा योगदान है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में मोबाइल चोरी के आरोप में पकड़े गए युवक की पिटाई करने के बाद उसे रेलवे किनारे लगे सीमेंट के खंभे के साथ बांध दिया गया। काफी देर तक यह हंगामा यूं ही चलता रहा, जिसका वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी को पकड़कर थाने ले गए। आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पकड़ लिया इसे। क्या नाम है तुम्हारा? बीमल किशोर गुप्ता। कहाँ रहते हो? गोविंद नगर सी ब्लॉक। क्या हुआ था? मोबाइल घर से ले गया था। कब?
ये हो गया कम से कम एक डेढ़ महीना हो गया। बात कहाँ पकड़ लिया सर? मैंने अभी चलते हुए मैं ठेला लगाता हूँ ये पकौड़ी का, ये निकल के जा रहा था, मैंने आवाज मारी, ये रुका नहीं, मुझे काटा, मुझे धक्का दे के, देखो ये चोट। तो एक भैया हमारे हैं, वो मेरे भैया, वो साथ में भाग के आए, मैंने आवाज मारी टिल्लू भैया, तो और दो तीन जने गाड़ी वाले आ गए, उन्होंने पकड़ लिया। उधर प्रदेश के हसनपुर निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत के बाद से स्वास्थ्य महकमे में खलबली मच गई है। आपको बता दें, गांव भसरोली निवासी राहुल अपनी बेटी को बुखार आने पर शहर के निजी अस्पताल केआर हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराने लाया था, जहां बच्ची को खून चढ़ाने के बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई और सुबह उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने उपचार में लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। नोडल अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल संचालक के पंजीकरण से संबंधित कागजात मांगे, लेकिन नहीं दिखाए जा सके, जिसके बाद नोडल अधिकारी ने अस्पताल को अवैध ठहराते हुए सील कर दिया। उस पे कार्रवाई करते रहते हैं, समस्या ये आ रही है कि ये एक पॉइंट पे बंद करते हैं, दूसरे पॉइंट पे खोलते हैं, हम जैसी हमें भविष्य में भी जैसी सूचना मिलेगी हम कार्रवाई करेंगे, और आज भी हम कार्रवाई आज निकले हुए हैं, जहां जहां हमें पता चलेगा हम उस पर कार्रवाई। जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप बंद कराते हैं खोल देते हैं, तो उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई क्यों नहीं करा? पुलिस पे मैं आपको बता दूं कि पिछले वर्ष के सापेक्ष इस बार हमारे द्वारा FIR भी बहुत ज्यादा की गई जा रही है और बराबर निरंतर कराई जा रही है। अगर ये अंकुश नहीं लग पा रहा है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? अंकुश है कि हम लोग प्रशासन और हम लोग संयुक्त प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस परेशानी का हम हल निकाल लें। डॉक्टर साहब, जो आज बच्चे की डेथ हुई, क्या मत इसको टाइफाइड मलेरिया पॉजिटिव था और कंडीशन बच्चे की ज़्यादा वीक थी, उसके बाद में उसको बता दिया गया था डॉक्टर साहब, डॉक्टर नवाज से उन्होंने बता दिया था कि बच्चे की कंडीशन ज़्यादा सीरियस है, तो उसको ब्लड की भी ज़रूरत पड़ेगी और ट्रीटमेंट चल रहा था उसको जो टाइफाइड मलेरिया। तो कितनी बोतल ब्लड चल रहा है? ब्लड तो एक ही बोतल लगा था। आप एक्सपायर्ड है ब्लड चढ़ाने के लिए? जी। आपका डिग्री क्या है? नहीं, डॉक्टर साहब डॉक्टर नवाज के अंदर में चल रहा था। तो ब्लड चला सकते हैं? हाँ, चला सकते हैं। कहाँ से लिया ब्लड आपने? मेरठ से मंगाया था ब्लड, और बाकी ट्रीटमेंट चल रहा था उसको। अब अचानक ही सुबह तो लड़की ठीक रही, उसके बाद में ही अचानक तबीयत 4 बजे खराब। आपका डिग्री क्या है जी? आपका डॉक्टर ओनर हूँ BMS। आजकल हॉस्पिटलों में आज दिन जो कैजुअल्टी हो रही है ऑपरेशन के महत्व, इसमें कोई CMO या कोई भी अधिकारी इस पर कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों ऐसा फर्जी डॉक्टर की लेकर के लिए बड़ी चर्चाएं चल रही है कि अस्पतालों में डिलीवरी होती है जिनको उनको पावर नहीं है उसको लेकर के? इसमें कोई कार्रवाई नहीं होने की, क्यों नहीं होने की है कि हसनपुर के अंदर कोई भी स्पष्ट रूप से नामित अस्पताल नहीं है, पंजीकृत नामी ईमानदारी के साथ अस्पताल नहीं है, सारे नंबर दो के चल रहे हैं। और आपको एक बात होता है, ब्लॉक के बराबर में भावना चौधरी के बराबर में जो चल रहा है अस्पताल, उसमें तो आए दिन कुआरी लड़कियों के और मतलब अवैध रूप से ये काम हो रहे हैं, और इसको खुलेआम आम जनता पता नहीं क्यों बर्दाश्त कर रही है। आप चले जाइए, मतलब आप यहाँ चले जाइए, शिवालय के सामने अस्पताल खुला हुआ है, वहां नंबर दो का काम, कोई पंजीकृत नहीं है। आप राजपूत कॉलोनी से ले लीजिए, अंबेडकर चौराहे से, कोई भी नहीं है। हमने खुद शिकायत करी है कि जो PNB के सामने एक अस्पताल खुला है नया, उसका तो हर हफ्ते एक कांड होता है, हर हफ्ते, और हमने लिखित में शिकायत करी, कोई काम नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं, ये स्वास्थ्य विभाग नहीं रहा, अब तो जेब भरो विभाग रह गया, ये नीचे से लेके ऊपर तक जेब भरो, पता नहीं कौन लोग भरवा रहे हैं, इनका कौन साथ दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। अब आपको बताओ कि ढवारसी का कांड था, दवासी के कांड में पता नहीं किन किन लोगों के मतलब स्वास्थ्य विभाग पर या उन पर सिफारिश में गए लोग। इतना बड़ा कांड होने के बाद भी मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जो ऐसे लोग शिकायत करते हैं, सिफारिश करते हैं, इतनी बड़ी सिफारिश, इतने बड़े बड़े लोगों की सिफारिश, मुझे ताज्जुब हुआ सर। जैसे हसनपुर में जो है जिस तरीके से डॉक्टर मतलब नहीं है, और ना होने के बावजूद भी MBBS डॉक्टर नहीं है, और वो लोग अपना हॉस्पिटल खोले में बैठे हैं सर, इसमें क्या करना चाहिए? करने का चाहिए शासन को, मतलब जो स्वास्थ्य विभाग है उसको पूरी चेकिंग करनी चाहिए, सघन चेकिंग करनी चाहिए। एक एक कागज भी कंप्लीट नहीं है, पंजीकरण कंप्लीट नहीं है, जो डॉक्टर के नाम से एक दो ने करवाया या फर्जी करवाया, ये पता नहीं स्वास्थ्य विभाग फर्जी वहां बैठकर कैसे कर देता है, क्यों कर देता है, ये हिसाब आज तक समझ में नहीं आया।
डीएम साहब को हम लोग बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल आजकल में ही मिलने वाला है इसी विषय में कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर जितनी जब इनकी आंखें खुलेंगी, जब कोई बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, बहुत विशाल कांड हो जाएगा, तब मिलेंगी खुलेंगी, इससे पहले नहीं खुलेंगे। और ये हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी लोग बदनाम कर रहे हैं जो अपनी जेब भर रहे हैं और काम नहीं कर रहे। बीजेपी सरकार को जालौन उत्तर प्रदेश के बैराई गांव में किसानों ने आज करीब 3 दर्जन से अधिक गायों को हाकते हुए कालपी के तहसील परिसर के उप जिलाधिकारी आवास के बाहर छोड़ दिया। वहीं किसानों ने कालपी उप जिलाधिकारी संजय शर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए गांव में गौशाला बनवाने जाने की मांग की। किसानों ने बताया कि यदि इस पर कार्यवाही नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। रणकेंद्र सिंह, यहाँ आप लोग गायों को लेकर के आए हैं, क्या मामला है पूरा? ये गांव गायें जो है अन्ना हमारे गांव में जंगल गांव कौन सा है? बैरई गांव है, महवा ब्लॉक है, तहसील कालपी है। तो ये कई बार एप्लीकेशन दी गई तहसील दिवस में, हमारी कोनो गौशाला की सुनवाई नहीं रही और प्रधान जो है लेखपाल दो मिले है, ये जो है जीएस की जगह ने निकाल रहे हैं गाँव। मतलब आप लोग यहाँ पे गायों को लेकर के आए, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है हमारे गाँव में सरकारी गौशाला बनना चाहिए। अभी तक गौशाला कोई नहीं बनी है वहाँ पे? वहाँ पे कोई गौशाला नहीं बनी। अगर गौशाला की हम लोगों ने प्रधान जी से बात की तो उन लोगों ने कहा चंदा जोड़ दिया, उसके बाद हम भी सहयोग करेंगे। और उसके बाद बोलने लगे आप जो महिला कोई सचिव है उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे तो आपका पैसा आ जाएगा। क्या नाम है आपका और किस गांव से? हमारा नाम है संतोष चौहान, जो कि हम बैरई ग्राम के रहने वाले हैं। हमारा मतलब ये है कि सब लोग जो भी अभी हैं इसमें से किसी के घर में कोई नौकर पेशा वाला आदमी नहीं है, किसी के घर में सरकारी नौकरी नहीं है ज्यादातर, सभी किसान लोग हैं। और हम लोग इतने परेशान हैं कि आज की डेट में हमारे 2 खेत तो बिल्कुल खत्म हो गए एकदम। हम लोग मेहनत कर करके ला रहे हैं, एसडीएम साहब के यहाँ तहसील